हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द टॉपिक गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, आर्टिकल 112, जेम्स विल्सन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। अगर आप बजट की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, बजट की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये डेफिनेशन कहती है कि टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर देयर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं। एक बार रेवेन्यू बजट में स्टडी कर लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कैपिटल बजट में स्टडी कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड देयर इज अनदर वे जिसमें हम स्टडी करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट एक साथ में, रिसिप्ट्स को एक साथ स्टडी कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर को एक साथ स्टडी करते हैं। क्योंकि जनरली जो आपका बोर्ड में जो CBSE का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि हम एक्सपेंडिचर को एक साथ स्टडी करेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल को, और रिसिप्ट को एक साथ स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बजट रिसिप्ट्स। अब बजट रिसिप्ट्स की अगर बात करें तो बजट रिसिप्ट्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स यहाँ पे जनरली हम रेवेन्यू से समझते हैं कि जो भी इनकम होती है वो रेवेन्यू होते हैं, लेकिन जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके, उनका नेचर डिफरेंट होता है, और उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम उनको टू पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है कि जो दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज टू द गवर्नमेंट। मीन्स वो सारे रिसिप्ट्स जो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं किस में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। अब कैसे रिसिप्ट, देखो अगर हम बोरोइंग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है। सेम फॉर द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कहीं से बोरो करती है तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करेगी। अगर कुछ रिसिप्ट ऐसी हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करिए, मींस गवर्नमेंट नो नीड टू पे एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दीज रिसिप्ट्स, तो कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है ड्यू टू रिसीव, तो उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल के लिए टैक्सेस क्या होते हैं, वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट लेबिड बाय द टैक्सिंग अथॉरिटी, जनरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ही क्या होती है, वहाँ की टैक्सिंग अथॉरिटी होती है। जो टैक्सिंग अथॉरिटी जो भी टैक्सेस लगाती है वो क्या होता है, कंपल्सरी पेबल होते हैं, और गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ भी रिपे नहीं करना होता है। तो इसलिए क्या करें, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करें, तो इसलिए टैक्सेस क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेकेंड, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास
और साथ ही एसेट्स भी रिड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा कमाने का एक तरीका है गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल कर दे, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, अभी हम कैपिटल में उसको पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे क्या हो रहा है, एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं। तो कुछ ऐसे रिसिप्ट्स जिससे कि गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, कुछ भी एसेट रिड्यूस नहीं हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं से ग्रांट्स या डोनेशन, एग्जाम्पल के लिए जो फॉरेन फंडिंग एजेंसी हैं या कोई अदर इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट को अगर डोनेट करती हैं तो वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की रिसिप्ट का एक पार्ट, लेकिन वो कुछ भी एसेट्स रिड्यूस नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वो किस में आ जाएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। क्लियर है दो पॉइंट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो क्राइटेरिया हैं कि रिसिप्ट्स को हम रेवेन्यू में रखेंगे या नहीं। अगर इन दो क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता है, पहला क्राइटेरिया है डोंट क्रिएट द लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट, दूसरा है डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन दो क्राइटेरिया को अगर पूरा करता है कोई भी रिसिप्ट्स, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट्स ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या करती है, इट क्रिएट्स लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, यहां पे क्या था, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। सेकंड क्या है, रेवेन्यू डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन यहां पे क्या होती है, कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स। गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रिएट्स लायबिलिटीज एंड कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स, जस्ट इसके अपोजिट हैं, लायबिलिटी भी क्रिएट करती हैं और साथ ही एसेट्स भी रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे रिसिप्ट्स हैं कौन कौन सी, क्रिएट लायबिलिटीज, बोरोइंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या कर सकती है, बोरो कर सकते हैं कहीं से भी, वो पब्लिक से भी बोरोइंग कर सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी कर सकती है, आरबीआई से बोरो कर सकती है। कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स मीन्स गवर्नमेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेच देती है, अपनी इक्विटी शेयर्स को बेच देती है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट कि ओनरशिप कैसे डिसाइड होती है, बाय द इक्विटी शेयर्स। तो गवर्नमेंट अपनी इक्विटी शेयर्स को सेल करके, अपने ओनरशिप शेयर्स को रिड्यूस करके, उनको सेल करके भी क्या कर सकती है, इनकम अर्न कर सकती है, जिसको कि हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैपिटल रिसिप्ट्स की भी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की भी। अब इनके जो अदर एग्जाम्पल हैं, अदर एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में हमारे मोस्टली पूछे जाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जनरली इनको दो पार्ट में इनको कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू आपको पता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट, इसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं टैक्स रेवेन्यू को, रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल्सो रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस। कई बार इनकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार कि व्हाट आर द डायरेक्ट टैक्सेस और एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मीन्स जब टैक्स का फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है टैक्स पेयर से, ठीक है, और इंसिडेंस मीन्स होता है फाइनल रेस्टिंग पॉइंट ऑफ द टैक्स, मीन्स लास्ट में टैक्स पे कौन कर रहा है। कई बार टैक्सेस के केस में देखा होगा, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को हम तो पे नहीं करते, जीएसटी को कौन पे करता है, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर
कि क्या है फर्स्ट इंट्रैक्शन, तो वो इम्पैक्ट है, और इंसिडेंस फाइनल उसको पे कौन कर रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, मींस कंज्यूमर पे कर रहा है। तो वो क्या हो गया, जो फाइनल रेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर फाइनली टैक्स रेस्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, और इम्पैक्ट मींस फर्स्ट इंट्रैक्शन। तो जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होते हैं, बोथ आर ऑन द सेम पर्सन, तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इम्पैक्ट भी फर्स्ट पर्सन पे ही है और फाइनल रेस्टिंग पॉइंट भी सेम पर्सन पे ही है। मीन्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस बोथ आर ऑन द सेम पर्सन इन द केस ऑफ इनकम टैक्स। ऐसे कॉरपोरेशन टैक्स को ले लीजिए, कंपनीज के प्रॉफिट पे जो लगता है, तो वो टैक्स भी क्या है, कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, तो फर्स्ट इंट्रैक्शन भी कंपनी पे ही है और फाइनली उसको पे कौन कर रहा है, कंपनी ही फाइनली उसको पे कर रही है। तो इसलिए कॉरपोरेशन टैक्स भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। मीन्स व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द सेम पर्सन, कॉरपोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर नॉट ऑन द सेम पर्सन, मींस व्हेन बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी, जीएसटी की केस में किस पर टैक्स लगा, शॉपकीपर पर लगा, और उसने किसको शिफ्ट कर दिया टैक्स बर्डन को, कंज्यूमर पे। तो जब टैक्स के बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं कंज्यूमर मींस किसी और पर्सन पे, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जांपल जीएसटी है, बाकी आप कह सकते हैं अभी क्योंकि ज़्यादातर टैक्सेस किस में हो गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं जीएसटी में, तो इसके अलावा आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी, अगर फॉरेन कंट्री से गुड्स आ रही हैं तो उन पे जो टैक्सेस लगता है उनको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी भी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अभी देख सकते हैं, अगर आप इस पे देखें पेट्रोलियम पे, इन पे जीएसटी नहीं लगता, इन पे वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्लियर हो गए दोनों, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। तो ये हो गए आपके टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, और मेजर जो सोर्स हैं गवर्नमेंट के वो यही हैं आपका टैक्सेस। इसके अलावा भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलती हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं अगर आप देखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू में, फीस। आपने देखा होगा कि हम कुछ भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ भी काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फ़ी पे करनी होती है। अगर हम घर खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हम डीएल के लिए अप्लाई करते हैं, हमें डीएल की फ़ी पे करनी होती है, तो ये सारे क्या हैं, फीस। ये भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक इनकम का सोर्स है, फीस। सेकेंड हम बात करते हैं फीस के साथ साथ फाइंस, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं अगर उन रूल्स को हम वॉयलेट करते हैं तो गवर्नमेंट हम पे क्या करती है, फ़ाइन चार्ज करती है। अगर आपके पास डीएल नहीं है, आपके गाड़ी के कागज़ आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट फ़ाइन चार्ज करती है, चालान काटती है। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है, और वो किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये टैक्स नहीं है, फ़ाइन है। इसके अलावा प्रॉफिट, गवर्नमेंट कहाँ से प्रॉफिट अर्न करेगी, सोचिए ज़रा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक एंटरप्रेन्योर का भी काम करती है, कई सारे एंटरप्राइजेस को रन करती है। आपने अगर अभी डेवलपमेंट नहीं पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की कई सारे एजेंसीज, कई सारे कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की कई सारे कॉरपोरेशंस हैं। आप ONGC की बात कर लें, NTPC की बात कर लें, NHPCL की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं जिनसे, और ये सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं, जितने भी मैंने नाम बताए अगर, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट ने कैटेगरी बना रखी है, नवरत्न कैटेगरी, महारत्न, मिनी रत्न, ये सारे ये प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट के, केवल लॉस ही नहीं बनाती गवर्नमेंट की कंपनियाँ, प्रॉफिट भी अर्न करती हैं। तो ये प्रॉफिट भी क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई लीगल ओनर नहीं है, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट
उसका ओनर कौन होता है? जब किसी भी प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। तो ये क्या हो गया, दोनों हमने कैटेगराइज कर लिया रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, किसमें, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पर हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो टैक्सेज हैं, टैक्सेज के कई सारे कैटेगरीज हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो कई सारे टैक्सेज की बात की जाती है। उनमें से है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनेट एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। ये कई सारे टैक्सेज के टाइप्स हैं, टैक्सेज के टाइप्स नहीं कह सकते हम इनको, टैक्स सिस्टम इनको हम कहेंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, जैसे आप इनकम टैक्स में इंडिया में बात करें, फर्स्ट 2,50,000 पे क्या लगता है, कोई टैक्स। अगर हमारे टैक्सेबल इनकम 2,50,000 है तो कोई टैक्स नहीं देना होता। 2,50,000 से 5 लाख तक हमें 5% टैक्स देना होता है, फिर 5 लाख से 10 लाख हमें 20% टैक्स देना होता है, और 10 लाख से ऊपर हमें 30% टैक्स देना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है, सॉरी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है, तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से का जो सिस्टम है टैक्सेशन का, उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या कहते हैं उसको, टैक्स सिस्टम को, प्रोग्रेसिव। समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या कहता है, व्हेन टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम, तो उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स है, ऐसे जस्ट इसके अपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट कम होते जाते हैं, तो इसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसका पर्पज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंडर द टैक्स लेके आया जाए, तो उस दे इसको रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट क्या कहता है, आपके प्रोपोर्शन, एक प्रोपोर्शन में कि इतने इनकम है तो इतना परसेंट टैक्स लगेगा, इतने इनकम यहाँ से इतने इनकम है तो आपको इतना परसेंट टैक्स, मीन्स एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया जाता है, उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टैक्स लेविट किया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है। एड वैलोरम टैक्स, अगर आपने वैट आपने पढ़ा है, वैट के बारे में जानते हैं, तो वैट किसका एग्जाम्पल, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब प्रिपेयर होता है वो तो डिफरेंट फेजेज को पास करता है, और हर फेजेज पे क्या होती है, वैल्यू ऐड की जाती है। तो हर फेजेज में जब वैल्यू ऐड की जाती है तो उस वैल्यू पे क्या लगाया जाता है, टैक्स। जैसे एग्जांपल टी शर्ट है, टी शर्ट मैंने पहनी है, तो फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया और उसके बाद वो मिल में गया, तो मिल ने कुछ वैल्यू जनरेट की, तो उसके मिल की जितनी वैल्यू जनरेट की उस पर टैक्स लगा। मार्केट में आई वैल्यू शॉपकीपर के पास आए, तो शॉपकीपर के प्रॉफिट पर टैक्स लगा। तो हर वैल्यू जो प्रोड्यूस हो रही है उस वैल्यू पर टैक्स लगता है, तो उसको हम कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। जैसे कि क्या है आपका, वैट है। तब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट को हम दो और कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक है आपका कौन सा, डेब्ट क्रिएटिंग, मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है। बताया था ना जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, दीज ऑल्सो क्रिएट लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया आपकी, बताया था बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स कौन सी हैं कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू डेब्ट क्रिएटिंग एंड नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बोरोइंग्स हैं वो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो इसलिए वो क्या होगी, डेब्ट क्रिएटिंग। तो नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कौन सी होगी, ऐसी कैपिटल रिसिप्ट, मीन्स कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में वो आएंगी, लेकिन ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो क्या हैं, विच आर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग, मीन्स कैपिटल रिसिप्ट हैं लेकिन डेब्ट क्रिएट नहीं कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आगे, डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स इक्विटी टू द पब्लिक या टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उसको हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने देखा होगा अभी एयर इंडिया को गवर्नमेंट सेल कर रही है, BSNL को कर रही है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डिस इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल है। तो डेप्ट क्रिएटिंग बोरिंग्स, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग डिस इन्वेस्टमेंट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट, बजट एक्सपेंडिचर। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक स्पेशली इन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैविंग डिफरेंट ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द पब्लिक, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट के कई सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन ऑब्लिगेशंस को उनके लिए पूरा करना जरूरी होता है। तो अगर आप देखें तो
किस तरीके से गवर्नमेंट इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करती है, तो कैसे अपने बजट में जो रिसिप्ट्स है, जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हुई है, वो किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंड कर दी है। तो इसके बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करती है, पब्लिक गुड्स का अरेंजमेंट करती है। पब्लिक गुड्स इस बार 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। तो पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स विच आर इक्वली कंज्यूम बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, मीन्स वो सारे गुड्स जो कि कंट्री के लोग सारे इक्वल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमशन बाय वन पर्सन डू नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी टू अदर्स। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो डिफेंस वो सारे लोग इक्वली कंज्यूम करते हैं। डिफेंस सर्विसेज जो मिलती है गवर्नमेंट बॉर्डर पे, आर्मी पे, डिफरेंट तरीके से जो स्पेंड करती है, उसकी फैसिलिटीज पूरे कंट्री के लोगों को इक्वली मिलती है, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा नहीं है, तो उसको पब्लिक गुड्स हम कहते हैं। तो पब्लिक गुड्स भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू अरेंज करती है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपेंडिचर है, अगर आप इंडिया बजट .gov.in पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। 2020 का जो बजट है ऑलमोस्ट दैट इज़ 30 लाख करोड़, जो टोटल अमाउंट है बजट का वो 30 लाख करोड़ का बजट है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने वो जनरेट किया है रेवेन्यू और किस तरीके से वो स्पेंड किया है। तो रेवेन्यू के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होगा, उसके लिए यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया हैं जैसे रिसिप्ट्स के थे। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट स्पेंड्स तो कर रही है लेकिन कोई भी एसेट्स गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो सैलरी बिल पे करती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो सैलरी बिल है वो इसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। सेकेंड है डू नॉट रिड्यूस लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट स्पेंड तो कर रही है लेकिन गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज रिड्यूस नहीं हो रही है। इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। गवर्नमेंट ने बोरो किया, जब बोरो किया तो उस पर एनुअल इंटरेस्ट पे होगा या मंथली क्वार्टरली जैसा भी है। तो अगर केवल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करती है, तो क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, किससे, इंटरेस्ट पे करने से। तो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट को हम किस में रखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। बाकी अब बाकी और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सब्सिडीज ले लीजिए। सब्सिडीज आपको पता है सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। सब्सिडीज जनरली प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट पे करती है ताकि वो अपने गुड्स के प्राइसेस को क्या करें, रिड्यूस कर दें। आप जनरली सब्सिडी से आपका इंटरेक्शन होता है जब आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, तो एलपीजी सिलेंडर खरीदते टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट आपको उसको सब्सिडाइज रेट पर अवेलेबल करवाती है, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट अपोजिट हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। इट क्रिएट एसेट्स, मींस गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है और स्पेंड करने के साथ साथ एसेट्स क्रिएट होती हैं। एग्जांपल के लिए ब्रिज क्रिएट करवा दिया, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट स्कूल बिल्डिंग, मींस कोई भी स्कूल बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, रोड क्रिएट हो रही हैं, या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रही है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो कौन से एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है। मींस एसेट्स क्रिएट हो रही है तो वो क्या हो जाएंगे, किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। सेकेंड क्राइटेरिया क्या, रिड्यूस लाइबिलिटीज, मीन्स जो ये एक्सपेंडिचर हैं ये क्या करते हैं, लाइबिलिटीज भी रिड्यूस करते हैं। कैसे, लोन हमने क्या किया था, लोन लिया था, अब हमने क्या कर दिया, उसको रिपे कर लेते हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन रिपे कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगी,
लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट ने अगर हम क्या IMF से या IBRD से लोन लिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया और उस लोन को क्या करते हैं कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट जब रिपे उसको कर रही है तो रिपेमेंट ऑफ लोन तो क्या हो गया लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके बजट एक्सपेंडिचर जिसको हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू और कैपिटल क्या क्राइटेरिया हैं और उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि अगर बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीप्ट्स दोनों इक्वल नहीं होती हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट। अभी हमने डिस्कस किया था बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। अब उन कंडीशंस पे बात करते हैं जब बजट एक्सपेंडिचर्स और बजट रिसीप्ट्स दोनों इक्वल नहीं होती हैं, स्पेशली व्हेन बजट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन, बजट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स, मीन जब सरकार खर्च ज्यादा कर रही है और सरकार की इनकम कम है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। मीन्स जब हमारे एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, ऑब्वियसली इसको क्या सिचुएशन कहा जाएगा, डेफिसिट की सिचुएशन। तो बजट डेफिसिट जब हम बात करते हैं तो बजट डेफिसिट के तीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। कई जगह पे आपको बजट डेफिसिट की स्पेसिफिक पर्टिकुलर टर्म भी दिया होगा, बट इन करंट सिचुएशन बजट डेफिसिट इज नॉट यूज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अब फिजिकल डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिजिकल डेफिसिट को ही यूज किया जाता है। बजट डेफिसिट पर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि ओवरऑल बजट डेफिसिट क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या एक्सप्लेन करता है, हमने रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में पढ़ लिया और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लिया, और डेफिसिट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि डेफिसिट क्या होता है, सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द रिसीप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू टर्म है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो सकता है, सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। मींस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन, डेफिसिट कब होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला भी बन जाएगा। हो सकता है इस पर 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी से पूछे जा सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू दी होंगी तो 3rd वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड जो डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। बोरिंग रिक्वायरमेंट हमें पता कैसे चलता है, हम इसको फाइंड कैसे करते हैं फिस्कल डेफिसिट को, सबसे पहले हम दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, कौन सी वैल्यूज को हम माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट। देखो प्लस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं तो डायरेक्टली दोनों वैल्यूज को हम माइनस लिख सकते हैं। तो कैपिटल रिसीप्ट वो भी कौन सी कैपिटल रिसीप्ट, अदर देन बोरोइंग्स, वो रिसीप्ट जो कि क्या है, अदर देन बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये हमेशा किसके इक्वल हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमेशा इक्वल होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है हमें, ये हमें इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है। थर्ड डेफिसिट की हम बात करते हैं, थर्ड डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट, ये हमें बताता है कि फिस्कल डेफिसिट में से कितना अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट में चले गया है। तो ये क्या बताता है,
प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उसमें से इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाती है, प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट। अभी अगर आप 2020 बोर्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आया था कि कौन सा डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करता है, नॉट एक्सक्लूड। अगर एक्सक्लूड करता है तो एक्सक्लूड का आंसर होगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। लेकिन वो एक्सक्लूड का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था किसका, इंक्लूड का। तो इंक्लूड, इसके अलावा देखो कौन सी डेफिसिट है, एक रेवेन्यू डेफिसिट है, यहां भी इंक्लूड रहता है और यहां भी इंक्लूड रहता है। तो उसका आंसर आप रेवेन्यू डेफिसिट भी लिख सकते थे और फिस्कल डेफिसिट भी लिख सकते थे। तो ये हो गया, इन पे बेस आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स 3 मार्क्स में, और जो भी बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, 2 वैल्यूज दी होंगी, थर्ड वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। और फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू द गवर्नमेंट्स बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी, और प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड करने का तरीका है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कि इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार इसके इम्प्लीकेशन भी पूछे जा सकते हैं। इम्प्लीकेशन मीन्स अगर ये डेफिसिट इकोनॉमी में जनरेट होते हैं, गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट की सिचुएशन होती है, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करेगी ओवरऑल इकोनॉमी को। तो ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगी और कैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगी, उन सबको हम मेंशन करते हैं किसमें, इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज डेफिसिट। तो फर्स्ट अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट हमें क्या बताता है, डेफिसिट हमें बताता है कि एक्सपेंडिचर है ग्रेटर देन द रिसीट्स। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट शुड रेस्ट्रिक्ट या गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। लेकिन कौन से एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, जनरली जो नॉन प्रोडक्टिव है, या कौन सा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, उनको रिड्यूस करना चाहिए। तो इम्प्लीकेशन, जो बजट डेफिसिट अगर बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी इन तीनों में से कोई भी डेफिसिट है, तो एक गवर्नमेंट को वार्न करता है कि उसको अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने चाहिए, रिड्यूस करने चाहिए और अपने रिसीप्ट के सोर्सेस को बढ़ाना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट ज्यादा होता है, गवर्नमेंट कई बार जानबूझ के डेफिसिट बजट क्रिएट करती है, तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट क्रिएट कर रही है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, डेट बर्डन, क्योंकि गवर्नमेंट को बाद में रिपे भी तो करने हैं। तो जब अगर रिपे करने हैं तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, डेट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, जब डेफिसिट ज्यादा है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है थ्रू द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। तो जब इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। थ्री पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, आपने कई जगह पढ़ा होगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, कि जब जो इन्वेस्टेबल फंड है, जो इकोनॉमी में जो फंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट का जो बोरिंग प्रोग्राम ऐसा है कि उन फंड को गवर्नमेंट ले ले रही है और प्राइवेट सेक्टर को वो फंड अवेलेबल नहीं हो रहे, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हमने क्राउडिंग आउट कर दिया ड्यू टू द गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम्स। तो फोर्थ पॉइंट हो गया क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट प्रोग्राम्स। तो ये हो गया किसके बारे में, अबाउट द बजट डेफिसिट और उसके इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन आप कोई भी अगर बजट डेफिसिट पूछा जाता है उसके किसी भी उसके पॉइंट्स में आप इन इम्प्लीकेशंस के जो पॉइंट्स हैं उनको लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो बजट से रिलेटेड डेफिसिट है, रिसिप्ट है, ये समझ में आया होगा। थैंक यू।